हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर घर में और हर व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके लिए नुकसानदेह है। कहने को तो ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये आपको बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा सकती है। आज हम बात करेंगे चाय के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दिन की शुरुआत बिना चाय के नहीं करते, उन्हें सबसे पहले चाय ही चाहिए। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ चाय से होने वाले बहुत सारे नुकसान। आप सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। दोस्तों, आज से 200 साल पहले भारतीय संस्कृति में चाय का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज की डेट में अगर कोई आपके घर मेहमान आता है तो हम सबसे पहले चाय ही पिलाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि चाय कैसे स्वीट पॉइजन यानी मीठा जहर धीमी धीमी करके आपके शरीर को खोखला और नष्ट कर रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इसकी जानकारी की ओर। दोस्तों, एक रिसर्च में पता चला है कि जो व्यक्ति चाय नहीं पीते हैं वो चाय पीने वाले व्यक्ति के मुकाबले 8 से 10 साल ज्यादा जीते हैं। दोस्तों, अगर हम कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमें कहते हैं शराब, सिगरेट, पान, गुटखा व नशे की चीज़ों को छोड़ देने को, लेकिन वो चाय के लिए नहीं कहते क्योंकि वो चाय के नशे से खुद ग्रसित हैं। लेकिन आप अगर बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहला आपको चाय छोड़ने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है चाय से होने वाले हानिकारक नुकसान के बारे में। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि चाय से होने वाले कौन कौन से हानिकारक नुकसान हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। अत्यधिक चाय पीने वालों को मुहासे की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चाय पीने से हमारा खून गंदा हो जाता है, जिससे हमारे फेस में लाल लाल दाने आ जाते हैं, जिससे खूबसूरत चेहरा भी बदसूरत लगने लगता है। साथ ही अत्यधिक चाय पीने वाले को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, जिससे आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि कब्ज की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे पाइल्स यानी कि बवासीर का भी सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक चाय पीने वालों के एक रिपोर्ट में आया है कि कैंसर होना बहुत ही संभव बात है। अगर आप अत्यधिक चाय पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। अत्यधिक चाय पीने वाले को याददाश्त की भी कमी होती है, उन्हें कुछ लंबे समय तक याद रखने में असुविधा होती है। अत्यंत चाय पीने वालों को मैं बता दूं कि चाय में कैफीन नाम का एक पदार्थ होता है जो हमारे हार्ट्स को यानी हृदय को नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा चाय पीने से अनिद्रा की समस्या आती है यानी नींद कम आना। चाय में निकोटीन नाम की एक और पदार्थ होती है जिसकी वजह से आपके दांत खराब होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाय में यूरिक एसिड होती है, जिसकी वजह से आपको यूरिन प्रॉब्लम यानी पेशाब में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी चाय से होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में जानकारियाँ। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चाय से कितनी सारी नुकसान होते हैं आपके शरीर को। तो आज से ही आप अपने चाय पीने की आदत को कम करें या खत्म करें, जिससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी आपकी प्रॉब्लम मेरी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।